अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और खुश भी होंगे। आज डेस्परेट यूट्यूबर्स आपके लिए लाए हैं साइकिल्स की वसी वैरायटी, जिसमें आपको रेसिंग साइकिल्स भी मिलेंगी और रेगुलर साइकिल्स भी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं यूनस साइकिल नीला गुंबद लाहौर में। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम भाई, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी साइकिल मौजूद है और उसकी प्राइस रेंज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कासिम भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज आप हमें कासिम भाई कौन सी वैरायटी शो कर रहे हैं? सर अब आपको दिखाएंगे जी 26 साइज में, जो कि अच्छी वैरायटी न्यू आई है। 26 साइज में आपको 5-6 मॉडल न्यू आए हैं, वो आपको दिखाएंगे आज। तो इसमें रेसिंग भी होंगे? रेसिंग भी होगी, स्पोर्ट्स भी होंगे, हाइब्रिड्स मॉडल भी होंगे। तो चलें जी आपको पहला आर्टिकल शो करते हैं और स्टार्ट करते हैं। कासिम भाई ने एक ये आर्टिकल हमारे सामने रखा है और ये इंतहाई हैवी बिल्ट साइकिल है। इसकी डिटेल्स क्या है कासिम भाई? सर इसमें ये चीज आ जाती है कि जिसका बहुत ज्यादा वजन है ना, ये उसके लिए है और बच्चे भी यूज कर सकते हैं। इसमें आ जाता है मोटे टायर, हैवी बिल्ट है, इसमें घिसेंगे नहीं, बहुत ज्यादा लाइट फील किया है, चिमटा वगैरह अच्छा लगा हुआ, हैंडल वगैरह अच्छा है। बाकी ये कोई इसमें गियर नहीं है, कोई शॉक्स नहीं है, कोई इसमें डिस्क ब्रेक्स नहीं है, कोई फीचर इसके अंदर नहीं है, सिंपल सादा स्पोर्ट्स लुक में बना दिया इसको। तो इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने वेट तक के लिए? सर ये तकरीबन साइकिल 300 किलो वेट बर्दाश्त कर सकती है। 300 किलो और इसका जो अपना वेट है 25 किलो इसका अपना वेट है। ये आप देख लें, हैवी ड्यूटी साइकिल आपके सामने है इस टाइम। इसके टायर्स आपको बता रहे हैं कि ये आम साइकिल नहीं है, इंतहाई हैवी ड्यूटी है। इसकी बिल्ट, इसका फ्रेम बहुत मजबूत है। कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ब्लू ब्लैक है, एक ये रेड ब्लैक है। बाकी इसके साथ स्पोर्ट्स मगराड होंगी, गेंटी शीशेली लाइट्स होंगी। मार्केट में तो ये तकरीबन 30,000 रुपये की सेल हो रही, लेकिन हम आपको होलसेल में देंगे ये 22,000 रुपये में। 22,000 रुपये में आपको ये साइकिल मिलेगी, हैवी ड्यूटी साइकिल है और ये इम्पोर्टेड है? जी सर ये इम्पोर्टेड तो नहीं है, यानी कि सारा स्पेयर पार्ट चाइना से आ रहा है, ये सैंपल यहाँ पे हुई। मतलब पार्ट्स जो जाहिर है इम्पोर्टेड है, तो साइकिल इम्पोर्टेड हुई, असेंबली इधर हो रही है। अच्छा आप कह रहे हैं शॉक्स इसमें मौजूद नहीं है? नहीं है। तो ये क्या चीज? ये सर स्प्रिंग टाइप बना हुआ है, यानी कि जो बहुत ज्यादा जोर से झटका महसूस होगा ये उसको कवर कर देगा, शॉक्स लेकिन नहीं है। ठीक हो गया। ये देखें ऑनेस्टी चेक करें कासिम भाई की, एक चीज लग रहा है कि शॉक्स हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि ये शॉक्स नहीं है। ठीक है, इसकी कीमत आपके साथ शेयर कर दी गई है। कासिम भाई का नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, लोकेशन भी आपके साथ स्क्रीन पे शो हो रही है। ये एक और आर्टिकल है रेसिंग स्टाइल में और इससे कासिम भाई से इनकी डिटेल पूछते हैं। सर ये आ जाती है लॉट की साइकिल, ठीक है, मार्केट में आपको सेल्समैन कुछ इस तरह सेल्समैन ही करेंगे जी, ये अमेरिकन ताइवान प्रोफेशनल है, फ्रेश पीस है, यानी कि ये ना लोड की साइकिल आती है, इसमें फ्रेश भी मिल जाएगी, इसमें आपको ज़्यादा हाई लेवल की साइकिलें मिल जाएंगी और ये बड़ी अच्छी होती है जो लाड में आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होके आई होती है और बहुत तगड़ी साइकिल होती है। इसके अंदर भी आप देख सकते कोई डिस्क ब्रेक्स नहीं होती, कोई शॉक्स नहीं है, ठीक है, इसमें गेट सिस्टम है ताकि आप इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक स्पीड वाला गेट है, एक लाइट वेट है सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, और जो इसका चलाने का तरीका है वो ये है कि इसको आप बैठ के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट सीधा बैठ के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो ये बारीक टायर है, इसकी स्पीड अपनी बहुत ज्यादा होती है और रिम इसमें CNC का लगा हुआ, सबसे पावरफुल 4x4 का जिसको कहते हैं चौड़ा रिम, वो रिम है और इसकी भी मुकम्मल गारंटी है, 5 साल की टूटने वाली चीज नहीं है, जंग शंग इसको नहीं लगेगा, सारा मैट कलर में है। ये ट्यूबलेस होते हैं? ट्यूब होती है इसके अंदर भी, इसके अंदर ट्यूब होती है, इसके अंदर भी ट्यूब है। ये आप अगर गौर करें तो आपने भी देखा होगा जो रेस हो रही होती है साइकिल्स की, उसमें जो रेसर्स होते हैं वो इसी किस्म की साइकिल्स यूज कर रहे होते हैं, वो बेंट हो के जाहिर है उसका एयर का प्रेशर चेंज हो जाता है तो ज्यादा तेज स्पीड जाती है साइकिल्स की। इसकी प्राइस क्या है? सर ये 32 में मिलेगी, 32,000 में आपको मिलेगी। अच्छा इसमें मडगार्ड वगैरह नहीं होते? वो लग जाते हैं लेकिन इसकी लुक जो है ना अपनी इसी तरह ही बनती है, कुछ नहीं लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा जो जरूरत की चीजें है वो आपको देंगे, साथ पानी वाली बोतल, स्पोर्ट्स मगराट ताकि पानी को कवर करे, और LED लाइट्स एक फ्रंट पे, फ्रंट इशारा देने के लिए, एक बैक सीट डॉट के नीचे, ये जरूरत की चीजें हैं।
ठीक है, इसके साथ होगी मतलब इसके मडगार्ड होंगे जी। और ये ना बारिश हो तो पता लगे पूरी कमर पे पहले छीटे पड़ी है। ये जी मिलेगी आपको 32,000 रुपए की। ये जी एक और आर्टिकल है, इम्पोर्टेड है और इंतहाई हैवी ड्यूटी फ्रेम में है। मैट इसका मैट स्टाइल में हैंडल है और ब्लैक कलर में है। इसकी अपनी ग्रेस है और अगर आप टाइट्स देख सके तो टाइट्स का जो टेक्सचर है और ग्रिप है वो बिल्कुल अलग है दूसरी साइकिल से। कासिम भाई इसकी क्या डिटेल है? सर ये आ जाती है जरा थोड़ी सी ना प्रोफेशनल, यानी कि ये हाइब्रिड कहलाती है, स्ट्रेट हैंडल में है। इसमें जो इसके फंक्शन है ना खास इसमें ये है कि इसका वांडा कंपनी का अपन ओरिजिनल टाइट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ठीक है, 6 प्लाई का टाइट ट्यूब है इसके अंदर। और फिर इसके ना दोनों व्हील फोल्डेबल है, आप देखिए इसमें चाबी लगी हुई है। इसकी ये चाबी खोलेंगे जिस तरह सीट ओपन करते हैं, ये चाबी खोलेंगे व्हील बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसका ये बैक व्हील है, ये भी फोल्डेबल है। इसका ये फंक्शन है कि दोनों व्हील आपने खोल दिए हैं, डिक्की में भी रख सकते हैं, गाड़ी में भी, इसको बैग बना के उसको कहते हैं फोल्डिंग। जहां पे मर्जी जाके इसको व्हील लगाए, ओपन करें, साइकिल यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग आई थी फ्रेम के अंदर, फ्रेम के नीचे कोई तार नहीं है, गियर वगैरह जाम नहीं होते, टूटते नहीं इससे, फ्रेम के अंदर से इसकी वायर्स गुजर, इसको कहते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग में। और पूरा वन पीस एंगल अभी देखें, फ्रेम इसका जोड़ नहीं है, कोई नट बोल्ट नहीं लगा हुआ, लोकल साइकिल वाला फ्रेम नहीं है, ओरिजिनल फ्रेम है, वन पीस में आ जाता है ये। और देखें आप ये बड़ी लाइट वेट साइकिल है यार की, देखें जोर नहीं रहेगी इसकी, अपनी स्पीड है और लाइट वेट है ये। दिखाएं मुझे, आप तो मजबूत बंदे हैं, मैं उठा के देखता हूँ पता नहीं किस किस्म का वेट है। लाइट वेट पहिए से ही उतरेंगे तो ज्यादा हल्की हो जाएगी, रखी जा सकती है। बाकी इसी तरह इसके अंदर डबल डिस्क ब्रेक्स है, गियर है और शॉक्स है, हाइड्रोलिक्स ऑयल वाले शॉक्स है। कलर वगैरह भी आप इसके अंदर 2-3 कलर मिलेंगे। कौन कौन से कलर हैं? एक इसमें ब्लू कलर है, एक रेड कलर है, एक फुल ब्लैक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रे के साथ कंट्रास्ट किया है। इस पे ग्रे भी है कहीं ना कहीं इसके अंदर। कासिम भाई ये साइकिल तो बड़ी अच्छी है, इसकी प्राइस क्या है? सर ये 35 में मिलेगी, 35,000 में आपको ये मिल जाएगी। अगर कोई कस्टमर आता है उसको मदीद इसमें कोई गुंजाइश निकल आएगी? जी सर, उसमें ये होता है कि हम इसके साथ फेवर्स देते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट्स, बेल शीशे, स्पोर्ट्स मगरार, रिमोट अंदर रिफ्लेक्टर लाइट्स, ठीक है। और जो बच्चे ये होते हैं कि यार ये सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है, तो इसके हम आपको ऊपर जेल कवर भी लगवा देंगे। अच्छा, जेल कवर लगवा के सीट जरा बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। इसका मतलब ये है समझ, डिस्काउंट हो गया। हाँ, वो एड ऑन्स हो जाती हैं, वो जो अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, तो डिस्काउंट तो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, खासकर पाकिस्तान में। तो आपको मिल जाएंगे एड ऑन्स, मिल जाएंगे इसमें वो भी गुड विल है। एसेसरीज है ये, आप खुद परचेस करेंगे तकरीबन कुछ 1400 या 1500 की चीजें हैं, ये हम आपको इसके साथ फेवर देंगे, वो समझ इसका डिस्काउंट है। तो जी यूनिस साइकिल पे आप तशरीफ लाएं और इनसे परचेस करें, आपको गिफ्ट भी मिलेंगे और आप खुश खुश जाएंगे घर। ये एक और आर्टिकल है, खुसूसन इसका कलर बता रही है बॉयज के लिए है। कासिम भाई से इनकी इसकी डिटेल लेते हैं। सर ये ना सोने की साइकिल है, जो आजकल बड़ी मशहूर चल रही है ना, ये वो साइकिल है, इसके अंदर कोई शॉक्स नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, कोई गियर नहीं है। ये होता है कि बच्चे इसको स्कूल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिन्होंने समझ लिया अपना हाथ सीधा करना होता है वो इसको यूज करे, ताकि पहले सिंपल साइकिल यूज करे, उसके बाद आप अच्छी लेके यूज कर सकते हैं, बच्चे और बड़े दोनों। और कलर वगैरह इसके अंदर आपको 4 कलर मिलेंगे, ग्रे है, एक रेड है, एक ब्लू है, और एक इसके अंदर येलो कलर है। साथ इसके भी गारंटी शीशे चीजें वगैरह होगी, वो इसके साथ फेवर है। तो इसमें गियर्स वगैरह तो नहीं है, शॉक्स नहीं है, मुझे ये बताएं कि इसकी क्वालिटी कैसी है? सर, ये क्वालिटी ऐसी है कि 200 किलो वजन डाल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ना इसका फ्रेम बेंड होगा, ना जोड़ खुलेगा, टूटेगा। इसकी 5 साल की गारंटी है, ये हैंडल फ्रेम चिमटा रिम्स वगैरह टूट जाए इस चीज की। 5 साल की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी है जी मेरे भाई, ये बड़ी पक्की बात है, इतनी गारंटी मिलेगी सर? ये इसकी खुद कंपनी दे रही है गारंटी, दुकानदार ने दे रहा, कंपनी दे रही है गारंटी। जबरदस्त, इसका मतलब है आप इसको हल्का मत लें, ये बहुत मजबूत साइकिल है। अच्छा, इसके साथ ना गियर है ना कुछ है, तो कुछ कस्टमर को आप एड ऑन तो दें, कोई डिस्काउंट दें, कोई कुछ इसके साथ मिर्च मसाला लगाएं। सर डिस्काउंट तो आपको मिलेगा इंशाल्लाह इसके साथ, ये देखे ना, ये आपको फेवर ये मिलेगी, इसके साथ आपको मार्क्स मिलेंगे, इम्पोर्टेड मार्क्स, हमने खुद इम्पोर्ट करवाए हैं। इम्पोर्टेड मार्क्स है ये है फिल्टर के साथ, ये वो आम मास्क नहीं है, ये फिल्टर वाले मास्क है। और इंशाल्लाह जो इसकी प्राइस है वो भी बड़ी मुनासिब है, 16,500 रुपए की मिलेगी ये 26 साइज।
16,500 की, और इसके साथ मास्क आपको एड ऑन मिलेंगे। मतलब आप अगर साइकिलिंग के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ डस्ट है, तो आप मास्क लगाएं और डस्ट से बचें और अपने आप को महफूज रखें बीमारियों से। ये एक और आर्टिकल है, ये स्पोर्ट्स में फील होता है मुझे, स्पोर्ट्स लुक में आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये तो साइज आपको 24 दिखा रहे हैं, इसके अंदर आपको 26 भी मिल जाएगा, यानी कि कलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, साइज बड़ा भी मिल जाएगा, कीमत उसकी सेम है। इसके साथ यानी कि गियर है, शॉक्स है, डबल डिस्क ब्रेक्स है, और इसके रिम भी रिफ्लेक्टर व्हील है। रात के टाइम ये साइकिल जब चलेगी ना, रिम वगैरह इसके ब्लिंक करेंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप रात को साइकिलिंग करते हैं तो आपके रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए। ये ना वो पीछे से बंदा तेज रफ्तार में आ रहा है और वो बस आपको मारता हुआ चला जाए, तो जब तक उसे नजर नहीं आएगा कुछ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और ये बहुत बड़ी कंप्लेंट होती है। और इसके साथ हम आप इसलिए तो वो चीजें वगैरह गिफ्ट कर देते हैं कि बेल होगी, शीशा होगा, LED लाइट्स आगे होगी, पीछे होगी, स्पोर्ट्स मगराट इसके साथ ये चीजें तो होती है, वो आपको देंगे जरूर। ये आपने क्या बताया कि इसका बड़ा साइज भी मिल जाएगा, 26 भी मिल जाएगा, 24 सेम प्राइस में। सेम प्राइस, प्राइस क्या है इसकी सर? ये मिलेगी 27 की, 27,000 रुपए की, 27,000 रुपए की, और ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड साइकिल, ये इंपोर्टेड साइकिल है। इसका इंपोर्टेड चीज बता रही होती है, खुद बता रही होती है कि मैं इंपोर्टेड हूँ। आप इसके रिम देख सकते हैं, आप इसके टायर्स देख सकते हैं, आप इसकी बिल्ट देख सकते हैं, आप इसका फ्रेम देखें, आपको पता लगेगा, आप खुद बता रही है कि मैं इंपोर्टेड हूँ। और इसके साथ आपको ये है कि एक फेवर जरूरत की चीज और देंगे, एक पानी की बोतल भी साथ देंगे। पानी की बोतल सर वो इसलिए है कि देखे ना, जो कस्टमर्स वगैरह साइकिलिंग यूज करेंगे वो रास्ते में थक भी तो जाएंगे ना, हाँ। तो पानी भी तो पीना ना, प्यास भी तो लग जाती है फिर, जाहिर है। और इंशाल्लाह जिस भाई ने देखे हमारे पास आना है लाहौर से या लाहौर से बाहर से, आपने अगर लाहौर से बाहर से आना है तो आपने हमारे स्क्रीन पे देखे नंबर शो हो रहा है, आपने सर हमें एक मैसेज करना, आपको पिक्चर्स वगैरह व्हाट्सअप करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा वैरायटी, रेट भी मुनासिब होंगे, इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल ताउन किया जाएगा। और जिस भाई ने लाहौर से आना है उनको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी मसला होता है साइकिल में टेक्निकल फोल्ड, तो हमारे मैकेनिक भाई घर जाकर रिपेयर करेंगे, उसकी 2 साल की सर्विस फ्री है। कोई पार्ट्स वगैरह डलेगा सर उस चीज के चार्जेस होंगे। और कोई सी भाई ने लाहौर से बाहर से आना साइकिल सिलेक्ट हो गई है तो हम ये साइकिल पैक करवा के अच्छी तरीके से बिल्डिंग करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको सुबह साइकिल सेफ मिलेगी, हमारी गारंटी होगी इसमें। आप व्हाट्सएप नंबर जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी जाएंगी, आप सिलेक्ट करें और आप पेमेंट करने के बाद आपको चीज मिल जाएगी आपके डोर स्टेप्स पे। तो ये भी ऑप्शन है हम कस्टमर्स के लिए देंगे जी, जिस भाई के पास घर पे साइकिल कोई पुरानी पड़ी है और आपको यूज में नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, आप उनको सेल करके कुछ पैसे और डाल के हमसे नई साइकिल भी ले सकते हैं। पुरानी दो नई लो। इसी तमाम इंफॉर्मेशन के साथ टीम डेस्परेट यूट्यूबर्स को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।